हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्यन्द्र पाल गंगवार। आई टीच क्लास फर्स्ट सरस्वती इंग्लिश रीडर बुक। आपके कोर्स में एक इंग्लिश रीडर की बुक है लगी हुई और एक इंग्लिश ग्रामर बुक है। आज हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश रीडर की बुक, सरस्वती इंग्लिश रीडर बुक का नेम है सरस्वती इंग्लिश रीडर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, सभी भैया बहनों को मालूम होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, होते हैं ना। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। उसी में हम आज आपको ए से लेके कुछ वर्ड्स की जानकारी कराते हैं। ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है और सी, ए बी सी, इनकी सबकी एक एक की हम नॉलेज देते हैं आपको। एक एक का आपको हम बताते हैं, सभी को आपको क्या करना है, लर्न करना है, फिर लिखना भी है। तो ए फॉर क्या होता है हमारा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज फर्स्ट लेटर ऑफ ए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर कौन सा होता है, ए। तो ए से क्या बनता है, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो ए से बनता है हमारा, क्या बनता है ए से, एप्पल। एप्पल फॉर क्या होता है, सेब। ए डबल पी एल ई, एप्पल माने सेब होता है। और दूसरा क्या होता है, ए डबल एस आस, आस माने होता है गधा। तीसरा होता है हमारा ए एक्स ई, एक्स एक्स माने क्या होता है, कुल्हाड़ी। आपने देखी है कुल्हाड़ी। ए से एप्पल हो गया, ए से आस हो गया और ए से एक्स हो गया। एक्स फॉर होती है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या करते हैं, हम लकड़ी काटते हैं, करते नहीं, सेब खाते हैं। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी सबका काम अपना अलग अलग होता है। और ए फॉर क्या होता है, आंट। आंट माने क्या होता है, चींटी। ए एन टी आंट, आंट फॉर चींटी। एप्पल फॉर सेब हो गया, आस माने गधा हो गया, एक्स माने कुल्हाड़ी हो गया और आंट माने चींटी हो गया। सबकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे, करेंगे ना। तो तीसरा अगला नेक्स्ट आता है हमारा, ए से क्या बनता है, और बहुत से वर्ड्स बनते हैं। ए से बनता है एरो। एरो माने होता है तीर, ए डबल आर ओ डब्लू, एरो फॉर तीर, ए डबल आर ओ डब्लू, एरो। एरो फॉर क्या होता है, तीर होता है। तो ए से एरो बनता है, बनता नहीं बनता, तीर। अब हमारा अगले आता है नेक्स्ट, एरो के बाद आता है हमारा ए फॉर क्या होता है हमारा नेक्स्ट, एनिमल। एनिमल जानते हैं आपने, एनिमल पेट एनिमल होते हैं, बिल्ड एनिमल होते हैं अलग अलग, ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, हैं बिल्ड एनिमल भी हैं, पेट एनिमल भी हैं, बिल्ड एनिमल और कैसे बर्ड एनिमल भी हैं, सब तरह के एनिमल होते हैं। लेकिन ए फॉर क्या होता है, एनिमल भी हम ए फॉर होता है। नेक्स्ट होता है ई फॉर एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ होता है, उड़ता है। एरोप्लेन देखा है आपने, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है, नहीं ऊपर उड़ता है, वायुयान जिसे कहते हैं, वायुयान ऊपर उड़ता है। ए फॉर एरोप्लेन उड़ता है ना, सबने देखा है ना, सभी अवैन जानते होंगे। ए से बी फॉर क्या होता है, बॉल। बॉल से क्या करते हैं हम, इंग्लिश अल्फाबेट सेकेंड लेटर, यानी सेकेंड लेटर का मतलब दूसरा लेटर कौन सा होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, बी। तो बी से क्या बनता है, बॉल, बी ए डबल एल, बॉल। बॉल माने गेंद। बॉल फॉर क्या होता है, गेंद। गेंद क्या करते हैं, हम खेलते हैं, क्रिकेट आदि की गेंद होती है, अंडरस्टैंड। तीसरा होता है हमारा अगला, इसके बाद होता है हमारा बस। बी से क्या बनता है, बस। बस में क्या करते हैं, हम स्कूल बस से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, हम कहीं यात्रा करते हैं, बस से करते नहीं करते हैं, स्कूल बस होती है, बस होती है, कोई बस हो सकती है, चाहे स्कूल की बस हो या ट्रैवल करें, बस माने बस होती है, बी यू एस, बस। नेक्स्ट होता है हमारा बी से क्या बनता है, बुक। बुक माने किताब। बुक होती है हमारी, ये सारी बुक्स होती हैं, ये जैसे इंग्लिश है रीडर की बुक है, इंग्लिश ग्रामर की बुक है, मैथ की बुक है, हिंदी की बुक है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, होती नहीं होती हैं, उच्च क्लासों में, अलग अलग क्लासों में जाएंगे आपको बहुत सी बुक्स मिलेंगी पढ़ने को। तो बुक माने क्या होता है, किताब। किसी भी बुक की, किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो सकती है, बुक फॉर किताब। बी ए टी बैट। बैट माने क्या होता है, बल्ला। जानते क्रिकेट का बैट होता है, आपने देखा है क्रिकेट का बैट होता है ना, नीचे देखो चंडा होता है, ऊपर देखो इसके साइज अलग होता है, होता नहीं होता है पकड़ने का। तो बैट फॉर क्या होता है, बी। बी से क्या बनता है, बैट। बी से कितने अक्षर बनते हैं, बहुत सारे अक्षर बन रहे हैं। बी से बॉल बन रही है, बी से बस बन रही है, बी से बुक बन गई, बी से बैट बन गया, और बी से बल्ब भी बनता है। कौन सा बल्ब, जिससे हम लाइट जलाते हैं, आपने लाइट देखो घर में, लाइट। और बी से क्या होता है, बोट भी होता है। बी से बल्ब भी हो गया हमारा, बी से बोट हो गया। बोट माने क्या होता है, नाव, बी ओ ए टी, बोट माने नाव, जिससे हम तैरते हैं स्विमिंग पूल में, कहीं आप जाओ, कहीं उसे ट्रैवल में, कहीं कहीं पर आप जाइए, देखो कितना आनंद आता है, कहीं चिड़ियाघर वगैरह में कहीं ना कहीं जाइए, कहीं नदी पार्क में, आपको बोट से तैरने को भी मिल जाएगा, ठीक है। बी से बनाना होता है, बनाना सभी जानते हैं, बनाना।
भैया बहन कुछ छोटे छोटे होंगे जिन्हें बनाना की हिंदी नहीं पता होगा। बनाना माने क्या होता है? बनाना तो सब जानते हैं, सब ने खाया होगा, लेकिन ये नहीं जानते हूँ बनाना होता क्या। केला होता है, क्या होता है? केला। बनाना बी एन ए बनाना, स्पेलिंग भी लर्न करना, बी एन ए बनाना। सी फॉर क्या होता है? देखो कार, जिससे हम चलते हैं, कार। कार देखी है आपने? सब भैया बहनों ने कार देखी होगी। मैनी कलर आर, इंग्लिश अल्फाबेट इज थर्ड लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का तीसरा लेटर होता है सी। सी फॉर होता है कार, कार माने होता है कार। मैनी टाइप ऑफ कार, कार मैनी टाइप की होती होती नहीं होती हैं, अलग अलग तरह की कार अलग तरह की होती है। देखो ये रेड कलर का कार है, रेड है ना, ऐसे मेनी तरह की कार होती हैं। तो सी फॉर क्या होता है? कार। और सी फॉर और भी बहुत से वर्ड्स बनते हैं, जैसे सी फॉर कैट, म्याऊं 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 होती नहीं हिंदी में कहते हैं म्याऊं। काओ माने कैट माने बिल्ली, कैट फॉर क्या होता है? बिल्ली। बिल्ली होती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती नहीं, सभी म्याऊं म्याऊं करती है तो बिल्ली होती है। सी फॉर कैट, कैट फॉर बिल्ली। नेक्स्ट वर्ड आता है इसका सी से कैप, सी ए पी कैप। कैप माने टोप होती है, टोप, टोपी पहनते हैं छोटे छोटे भैया बहन सब पहनते हैं, देखो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लगते नहीं कैप लगा के बहुत अच्छे लगते हैं सभी भैया बहन। तो छोटे छोटे बाल होते हैं, सिर पे गर्मी ना लगे इसलिए क्या लगाई जाती है? मम्मी पापा उनके टोपी लगा देते हैं, पहना देते हैं कैप, कैप फॉर टोप। फिर होता है सी यू पी कप, कप माने क्या होता है? प्याला। सी यू पी कप, कप और प्याला होता है। कप देखो हम कप से क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, पीते नहीं चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कप से पीते हैं, सब भैया बहन पीते होंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है सी ओ डब्ल्यू काओ, काओ माने क्या होती है? गाय। गाय हमें मीठा मीठा दूध देती है, काओ की बस स्वीट मिल्क, गाय हमें मीठा मीठा दूध देती है। गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, जानते नहीं? तो गाय सी ओ डब्ल्यू काओ, काओ माने गाय। मैनी कलर है काओ, काय के बहुत से कलर्स होते हैं। एंड सी ओ सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो माने कौआ होता है, कौआ करता है काओ, काओ करता नहीं करता है, तो सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो माने कौआ। कौआ आपके घरों में होता है। इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर कैसा है? काला है, काला कलर होते हैं कौआ होते हैं। तो नेक्स्ट आता है सी, सी फॉर होता है क्लॉक, सी एल ओ सी के क्लॉक, क्लॉक माने घड़ी। घड़ी आपको समय बताती है कि आपको स्कूल किस समय जाना है, किस समय आना है, किस समय सोना है, किस समय जगना है, क्या बताती है हमें? दिस इज क्लॉक। दी से क्या होता है? डॉल, डॉल माने गुड़िया। गुड़िया होती नहीं, गुड़िया होती है, गुड़िया होती है, डी फॉर गुड़िया। डॉल डी ओ डबल एल, डॉल डॉल माने गुड़िया। इंग्लिश अल्फाबेट इज लेटर ऑफ फोर नंबर, चौथे नंबर का इंग्लिश के अल्फाबेट में होता है डी। ए फर्स्ट नंबर, बी सेकेंड नंबर, सी थर्ड नंबर, डी फोर नंबर का अल्फाबेट होता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश अल्फाबेट का फोर लेटर कौन सा होता है? डी, डी फॉर डॉल। और हम जब पढ़े जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं हम? डेस्क पे, देखो टेबल पे बैठते हैं, टेबल बैठ के पढ़ते हैं, लैपटॉप वगैरह कोई चीज़ रखते हैं, रखते नहीं। और डी से क्या बनता है? डक, डक माने होता है बत्तख, बत्तख पानी में रहती है। डक कहाँ रहती है? डक लिव इन वाटर, वाटर में रहती नहीं, पानी में रहती है बत्तख। डी यू सी के डक, डक माने बत्तख। सब भैया बहनों ने देखी होगी बत्तख होती नहीं पानी में रहती नहीं, पानी में रहती है बत्तख, ऊपर भी रहती है लेकिन पानी में ज़्यादातर पानी में रहती हैं बत्तख, रहती है नहीं रहती हैं। तो बत्तख डक ये भी अंडे देती है, बत्तख देती है नहीं। तो और उसके बाद हमारा डी, उसके बाद डी से क्या आता है हमारा डॉग, डॉग माने कुत्ता होता नहीं होता है, ये क्या करता है हमारा मालिक की सुरक्षा करता है, द केयर ऑफ मास्टर मतलब मालिक की सुरक्षा करता है। तो डॉग माने कुत्ता होता है, भाव रात को सेवा कर, रात को जागता है, दिन में सोता है, सोता नहीं सोता है। तो कुत्ता जो होता है बहरी बहुत फुर्तीला होता है, हैं इसकी नींद बहुत कम होती है, होती नहीं होती है कुत्ता। दी डॉग हैज मैनी कलर्स, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े कुत्ते भी होते हैं। डी ओ जी डॉग, डॉग फॉर कुत्ता, याद कर लेना ठीक। डी डबल आर डी आर, डी आर फॉर क्या होता है? हिरन। दिस इज विल्ड एनिमल, ये कैसा होता है? विल्ड एनिमल, जंगली जानवर होता है, ये जंगल में रहता है, घर में ये नहीं जिएगा, जीवित रहेगा कुत्ता तो घर में रह लेता है, घर में रहता है, लेकिन डियर जो होता है हिरन होता है कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, हरी हरी घास खाता है, घूमता रहता है, वेरी फ्लॉन्ट बहुत ही फुर्तीला होता है, होता नहीं होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जिसकी आँखें बड़ी चमकदार होती हैं, डियर इज वेरी गुड एंड। तो नेक्स्ट आता है डी, डी से बनता है हमारा ड्रम, जो हमारा शादी पार्टियों में बजाया जाता है, आपने देखा है डी से ड्रम होता है, ड्रम शादियों में बजते नहीं बजाते हैं, बजाते हैं डम 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 होता है, डम इस ढोलक भी होता है, ढोलक होता है लेकिन उसका साइज चेंज होता है, ये ड्रम हमारा चेंज
होता है ड्रम, माने ड्रम होता है, डी फॉर ड्रम, डी आर यू एम ड्रम। और डी से क्या बनता है, डॉक्टर। डॉक्टर देखो एक बार मेरी गुड़िया है बीमार, डॉक्टर देखा है आपने, डॉक्टर आला लगाता है, डॉक्टर होता है डॉक्टर, देखो डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर। डी से बनता है डॉक्टर, डॉक्टर हमें देखता है, सुई लगाता है, लगाता नहीं हमें दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर देते हैं, आपने देखा है डॉक्टर। डी फॉर डॉक्टर। ई फॉर एलिफेंट। इंग्लिश अल्फाबेट इज फिफ्थ लेटर ऑफ है ई। इंग्लिश अल्फाबेट में पांचवा लेटर कौन सा होता है, ई। ई एल ई पी एच एन टी एलिफेंट माने हाथी। दी विल्ड एनिमल इज वेरी बिग एनिमल, बहुत विशाल जानवर होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है। इसका वेट बहुत होता है, इसके पैर। ई हैज ए ट्रंक, सूंड रखता है, होता नहीं। और होता है ई फॉर आई, आई माने आँख। आई हैव टू आईज, आपकी कितनी आँखें हैं, दो आँखें रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की दो आँख होती है, होती नहीं होती है, सबकी दो आँखें होती हैं, तो क्या होती है, हमारे फाइव ऑर्गन्स में आती हैं आईज नोज, तो आई का होना जरूरी है नहीं, तो आई माने क्या होता है आँख, ई वाई ई आई। उसके बाद होता है एग, ई से बनता है एग, ई डबल जी एग। एग फॉर क्या होता है, अंडा। कुछ लोग अंडा खाते हैं, कुछ अंडा नहीं खाते हैं, कुछ भैया बहन खाते होंगे, कुछ नहीं खाते होंगे अंडा, तो ई फॉर क्या होता है एग। एग, एग माने अंडा, मुर्गी अंडा देती है नहीं, देती ना। उसके बाद होता है हमारा ई, ई से और भी वर्ड्स बनते हैं, ईयर। ईयर फॉर होता है कान, कान जिससे हम क्या करते हैं, सुनते हैं, आई हियर, है ना, आई हियर लिसन, हम सुनते हैं, कानों से सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, बी सी देखते नहीं देखते हैं? इन आईज एंड हियर इन ईयर, और आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। ई से होता है अर्थ, जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी पर, ई ए आर टी एच, अर्थ माने होता है पृथ्वी, जहाँ हम पृथ्वी पर रहते हैं, ई ए आर टी एच, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी पर हम रहते हैं नहीं रहते हैं, सही है मैन, पृथ्वी पर रहते हैं। अब ई से हमारे और भी वर्ड्स बनते हैं, ई से, ई से बनता है हमारा ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल माने चील होती है, चील की भी दो आँखें होती हैं, लेकिन ऊपर उड़ते उड़ते अपने शिकार नीचे से पकड़ कर ले जाती है ईगल, उसका ध्यान क्या होता है, अपने शिकार की ओर उसका ध्यान होता है। पंजे इसके बहुत अच्छे होते हैं, पंजे होते हैं, पंजों में जकड़ लेते हैं तुरंत, ई फॉर ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल फॉर चील। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा होता है अल्फाबेट, फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, कौन सा लेटर होता है ये, कौन सा सिक्स लेटर होता है हमारा, इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा लेटर है, सिक्स, कौन सा लेटर, सिक्स, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, एफ फॉर फ्लावर, फ्लावर माने फूल, मैनी टाइप ऑफ फ्लावर्स। एंड एफ फॉर फिश, सबने पढ़ी होगी, एफ आई एस एच, फिश माने मछली, एफ आई एस एच, फिश, फिश लिव इन वाटर, कहाँ रहती है मछली, पानी में रहती है, रहती नहीं रहती है, सही भैया मैंने को पता होगा, मछली पानी में रहती है, पानी के बाहर नहीं रहती है, इट विदाउट वाटर, लिव इन वाटर, पानी के बिना इसका जीवन नहीं है। उसके बाद एफ से क्या बनता है, एफ फॉर फैन, हम हवा खाते हैं, बहुत हमें गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, हवा खाते हैं, एफ एन फैन, फैन माने पंखा, हवा खाते नहीं खाते हैं, चाहे ऊपर वाला पंखा हो चाहे नीचे वाला पंखा हो, लेकिन फिलहाल हमें गर्मी में पंखे की आवश्यकता होती है, तो एफ फॉर फैन माने पंखा। और एफ फॉर क्या होता है, फ्लैग, फ्लैग माने झंडा, फ्लैग फॉर झंडा होता है, एफ एल ए की फ्लैग, फ्लैग माने झंडा, झंडा क्या करते हैं हम, झंडा हमारा फहराया जाता है, नेशनल एंथ्रम होता नहीं होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, एंड जो है हम सब तरह क्या करते हैं, झंडा हम फहराते हैं। एफ फॉर फ्लाई होता है, फ्लाई माने क्या होता है, मक्खी, फ्लाई फॉर मक्खी, एफ फॉर फ्लाई, फ्लाई फॉर मक्खी होती है हमारी, मक्खी होती है हमारी मक्खी, तो एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई माने मक्खी होती है, मक्खी होती है ना, तो एफ फॉर फ्लाई, फ्लाई, अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ रहा होगा ये। उसके बाद होता है हमारा एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स माने होता है हमारा लोमड़ी, एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स माने होता है लोमड़ी, फॉक्स फॉर लोमड़ी, लोमड़ी होता है फॉक्स, तो फॉक्स एफ ओ एक्स होता है, एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, जानते हैं सभी। फ्रॉग, एक होता है एफ से फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग माने क्या होता है हमारा, मेंढक, मेंढक आवाज़ करता है टर टर की, कहाँ रहता है ये, हमारा कीचड़ में रहता है, कभी ऊपर भी रहता है, देखा है आपने घूमते हुए फ्रॉग, मेंढक, एफ आर ओ जी, फ्रॉग माने मेंढक होता है। एफ से बहुत सारे वर्ड्स बन गए। उसके बाद आता है हमारा जी,
कौन सा वर्ड होता है ये? सेवन लेटर नंबर, सेवन नंबर होता है ये, जी फॉर गर्ल, जी आई आर एल गर्ल। एफ एफ से फिंगर भी बनता है, एफ आई एन जी ई आर एस फिंगर, फिंगर्स माने क्या होता है, उंगलियां होती हैं फिंगर। जी फॉर गर्ल, जी आई आर एल गर्ल माने क्या होता है हमारा, लड़की। जी आई आर एल गर्ल, गर्ल फॉर लड़की, जी आई आर एल। तो कौन सा नंबर होता है ये इंग्लिश अल्फाबेट का? सेवन नंबर होता है, सेवन सेवन नंबर, ये सातवें नंबर पे क्या आता है हमारा, जी आता है। ए बी सी डी ई एफ जी, जी आता है हमारा सेवन नंबर पर। तो जी फॉर होता है गर्ल, गर्ल माने लड़की। बहुत से वर्ड्स होते हैं जी से, जी से और क्या होता है, गिलास, जी एल ए डबल एस गिलास, गिलास माने गिलास होता है, गिलास देखा है आपने, जी फॉर गिलास, गिलास होता है जी से, तो जी से गिलास हो गया, जी एल ए डबल एस गिलास, गिलास हो गया जी फॉर गिलास। और जी से और सारे वर्ड्स बनते हैं, और जी से क्या बनता है हमारा, ग्रास, जी आर ए डबल एस ग्रास, ग्रास माने क्या होती है, घास, घास होती नहीं होती है, घास जो हमारे क्या कहते हैं, मैंने एनिमल ईट्स, खाते नहीं खाते जानवर, घास खाते हैं, तो जी फॉर क्या होता है, ग्रास, गाय हरी घास खाती, बहुत से जानवर होते हैं जो तो कहते घास खाते हैं, तो जी फॉर घास। और जी फॉर क्या होता है, गॉड, बकरी, बकरी देखी है आपने, गरीब की गाय क्या कहलाती है, बकरी कहलाती है, तो बकरी होती है जी ओ ई टी, गॉट, गॉट माने बकरी, सबने देखी होगी बकरी, कुछ बच्चे लोग भैया बहनों घर में पलती होंगी बकरी, देखी होगी ना, जी ओ ई टी गॉट, गॉट माने बकरी होती है ना। और जी फॉर गणेश होता है, गणेश जी की हम पूजा करते हैं, जी ए एन ई एस एच गणेश, जय गणेश, जय गणेश करते नहीं, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा करते हैं, तो गणेश जी होते हैं, तो गणेश जी की हम पूजा करते हैं, जी फॉर गणेश, जी ए एन ई एस एच गणेश होता है ना, जी फॉर गणेश। और जी फॉर क्या होता है, जी फॉर ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स माने होता है अंगूर, हम अंगूर खाते हैं, खाते नहीं खाते भैया मैंने अंगूर, तो जी आर ए पी ई एस एच ग्रेप्स, ग्रेप्स माने अंगूर, अंगूर देखे हैं आपने, कोई ब्लैक रंग के होते हैं और कैसे होते हैं हमारे, मैं दो तरह के होते होते नहीं होते, तो हमारे अंगूर आपने खाए होंगे, खाए होंगे ना। और एच फॉर क्या होता है, हैन, हैन सबने देखी होगी, मुर्गी, मुर्गी देखी आपने सबने, सब भैया बहनों ने मुर्गी देखी होगी, तो एच फॉर क्या होता है, हैन, हैन माने मुर्गी, मुर्गी होती है ना, सभी ने देखिए, कुछ भैया बहनों के हो सकता है दो एक के घर मुर्गी पलती हो, तो हैन, हैन फॉर मुर्गी होता है, मुर्गी, मुर्गी अंडे देती है ना। और क्या होता है हमारा, एच से हैट, एच ई टी हैट, हैट माने टोप होता है, टोप हमारे जो बड़े बड़े भैया बहन क्या करते हैं, टोप लगाते हैं, गोल कलर, गोल होता है इसका साइज, कैसा होता है, गोल होता है, गोल होता है, टोप होता है, होता ना होता है, ये भी गर्मी से बचने के लिए इसे लगाया जाता है, लगाया जाता नहीं लगाया जाता है, तो ये हैट है, चीटी हैट, हैट माने टोप। और क्या होता है, एच से और भी वर्ड्स बनते हैं, हार्ट, हट माने झोपड़ी, एच यू टी हार्ट, हट माने झोपड़ी होती है, एक तरफ से नीचे से गेट होता है, बहुत अच्छी होती है झोपड़ी, जैसा कि पिक्चर में देखो दिखाया, ऐसे भैया बहन जानते होंगे, हट, एच यू टी हार्ट, हट फॉर झोपड़ी, झोपड़ी देखी सबने, तो एच यू टी हार्ट, हट माने हो गई हमारी झोपड़ी। और हमारा वर्ड्स होते हैं एच से, और भी वर्ड्स बनते हैं एच से, एच ओ आर एस सी हॉर्स, हॉर्स माने क्या होता है, घोड़ा, हॉर्स माने घोड़ा, एच ओ आर एस ई हॉर्स फॉर घोड़ा, घोड़ा होता नहीं होता है, कौन सा नंबर का लेटर होता है ये हमारा, है, उसके बाद होता है हेड, एच ई डी हेड, हेड माने क्या होता है, शेर होता है हमारा, शेर, ये कौन से नंबर का होता है, एट नंबर का होता है, एच कौन से नंबर का होता है, एट नंबर का अल्फाबेट होता है इंग्लिश का, तो एच ए एन डी हैंड, हैंड माने हाथ होता है, हाथ, एच ए एन डी हैंड, एच फॉर हैंड भी कहते हैं, हैंड माने हाथ, कौन सा होता है, हाथ होता है, हाथ। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से एट नंबर का होता है हमारा हट, हट, हैट, ये सब हमारे क्या होते हैं, हॉर्स, हाउस, एच ओ यू एस सी हाउस, हाउस माने घर होता है, होता है ना, ये सब हमारे कौन से, एट नंबर के हमारे लेटर्स होते हैं, अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ रहा होगा ये, तो एच हमने कई कई तरह के ये हमने लेटर्स आपको बताए। और एच से बहुत अच्छा वर्ड्स बनता है, आपको सबको पता होगा, हनुमान जी, एच एन यू एम एन, हनुमान।